नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप, मैं हूं मनीषा गुप्ता और फोकस यहां पर रखेंगे सोने चांदी प्लैटिनम पर, क्योंकि जिस तरह का ड्यूटी कट हमने यहां पर आते हुए देखा है मार्केट की एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा है और स्ट्रीट ऑफ कोर्स इसको रिएक्ट तो कर ही रहा है, लेकिन इसके क्या मायने हैं कंज्यूमर्स के लिए, ज्वेलरी एज अ सेक्टर के लिए और आगे के लिए अब क्या एक्सपेक्टेशन हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सेंको गोल्ड के MD एंड CEO सुवांकर सेन, पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले और अनमोल सिल्वर के CEO किशोर रोनवाल, HDFC सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटी अनुज गुप्ता भी जुड़ेंगे हमारे साथ। शुरुआत यहाँ पर लेकिन सुवांकर जी के साथ कर लेते हैं। सुवांकर जी नमस्कार, एंड क्लियरली एक बहुत बड़ा थम्स अप हमने यहाँ पर ज्वेलरी स्टॉक्स के लिए आता हुआ देखा और सोने और चांदी में हमने अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी। आपको एक बार अपने दर्शकों को ये भी पहले समझाना चाहेंगे कि किस तरह से ये ड्यूटी कट हमने होता हुआ देखा है। जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो 10% से घटाकर 5% कर दी गई, जो एग्री सेस है वो 5% से घटाकर यहाँ पर इसे 1% कर दिया गया, यानी कि 6% अब यहाँ पर ड्यूटी है वीजावी 15%। अब जो इंडस्ट्री है वो ये चाह रही थी कि 2-3-4-5% तक भी यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिले, लेकिन सीधा 9% का कट हमने यहाँ पर ड्यूटी में आता हुआ देखा है। वो एक ऐसे सेक्टर के लिए जो क्लियरली जिस पर सरकार की नज़र रही है, जो सरकार चाहती है कि बहुत ज़्यादा सोना कंट्री में इम्पोर्ट ना हो, इसके लिए हमने काफ़ी सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हुए देखे हैं, चाहे वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, आप सोना अब यहाँ पर डिजिटल ले सकते हैं, गोल्ड ETFs भी खरीद सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसलिए की गई कि सोना बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ना हो, लेकिन अब जिस तरह से ड्यूटी स्लैश होते हुए नजर आई है इसके क्या मायने हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। अनुज आपके पास ही पहले आते हैं, आप एज एन इंडस्ट्री से क्या देखते हैं, इवन एज आपके एक्सपेक्टेशंस में भी था कि ड्यूटी कट होनी चाहिए, लेकिन 9% की ड्यूटी कट तो आपने भी एक्सपेक्ट नहीं की होगी। मनीष जी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल 9% की तो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, हम 5-6% एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो कटौती है वो आ सकती है, बट दैट इज अ वेरी यू नो बिग जो रिडक्शन हुआ है और उसकी वजह से हमने देखा कल एक शार्प करेक्शन डोमेस्टिक मार्केट में रहा, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में कोई मूव देखने को नहीं मिला, बट डोमेस्टिक मार्केट में रिडक्शन की वजह से प्राइस करीबन 5 रुपए के आसपास गिरावट आते हुए दिखाई दिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से गोल्ड सिल्वर का इंपोर्ट हमने पिछले साल बढ़ते हुए देखा है तो उसको देखते हुए शायद इंपोर्ट जो है यहाँ पे कट किया गया, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने पिछले कुछ दिनों में कुछ अनेक तरीकों से गोल्ड भारत में आ रहा था और कहीं ना कहीं स्मगलिंग को रोकते हुए, तो मुझे लगता है उसकी वजह से थोड़े से इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी को कम किया गया, जिससे कि अब जो गोल्ड है वो अंडर लोअर जो कस्टम ड्यूटी उसके अंडर बिलिंग आता हुआ दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं जो प्राइसेस हैं यहाँ पर अभी डोमेस्टिक मार्केट में तो गिरे हैं, मगर इंटरनेशनल मार्केट में उतने नहीं गिरे, क्योंकि ये एक डोमेस्टिक रीजन है जिसकी वजह से भाव नीचे आते हुए दिखाई दे, बट अभी भी इंटरनेशनल कारण बहुत सारे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो मोस्ट अवेटेड जो रीजन है वो इंटरेस्ट रेट का कट होना है जो सितंबर में होगा, और साथ में जो चाइना की डिमांड है वो इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी इंटरनेशनल कारण आगे के नए रोल प्ले करेंगे। अनुज साथ ही साथ अब चांदी पे लेके यहाँ पर क्या सेंस है, क्योंकि अच्छी खासी गिरावट हमने सोने में आते हुए देखी है, सिल्वर के प्राइसेस में भी शार्प डिक्लाइन यहाँ पर बनता हुआ नजर आया भारतीय बाजारों में। देखिए सिल्वर हालांकि आप देखेंगे करीबन 11-12 साल के बाद इसमें अच्छा ब्रेकआउट आया था और ऊपर में $32-33 तक गया था, बट उसके बाद फिर कहीं ना कहीं उसमें एक रेजिस्टेंस आता हुआ दिखाई दिया और अब भाव $30 के नीचे चल रहे हैं। तो सिल्वर अगर आप देखेंगे तो 95,000-96,000 जाने के बाद हमने देखा करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया, थोड़ी डिमांड सिल्वर की उस लेवल पर जाकर कम होती हुई दिखाई दी फिजिकल मार्केट में। हालांकि सिल्वर का जो एक फिजिकल अगर हम बात करें या फंडामेंटली अगर हम बात करें तो काफी अच्छे डिमांड सोर्सेज हैं जो कि हमें लगता है कि आगे इसको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, मगर फिलहाल कस्टम ड्यूटी कम होने की वजह से हमने इसके अंदर भी एक शार्प करेक्शन आते हुए देखा और सिल्वर का भाव ऑलमोस्ट 85,000 के आसपास आता हुआ दिखाई दे। हमें लगता है कि अभी फिलहाल भावों में थोड़ी स्टेबिलिटी आ सकती है, मगर कहीं ना कहीं क्योंकि भारत में आगे अब फेस्टिवल सीजन भी है तो उसकी वजह से डिमांड को सपोर्ट मिलेगा, तो भाव फिर अगेन हम एक अच्छी रैली में आते हुए देखेंगे। फिलहाल अभी कस्टम ड्यूटी का जो इम्पैक्ट है वो मार्केट में है, और दूसरी बड़ी बात की फिजिकल मार्केट में भी जो है इस बात को नहीं उतना तरीके से समझ पाई, हमने देखा फिजिकल मार्केट में अभी भी उतने भाव नहीं गिरे हैं, तो हो सकता है कि अभी 1-2 दिन और लगेंगे प्राइस को सेटल होने में। तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी एक स्टेबल मार्केट जो है वो आपको गोल्ड सिल्वर में फिलहाल फिजिकल मार्केट में दिखाई देगा। ऑलराइट, यानी कि अच्छी खासी गिरावट ऑफ कोर्स कल आते हुए देखी, लेकिन आज कुछ रिलीफ रैली के तौर पर हमने खरीदारी आते हुए देखी है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रीड एज ऑफ नाउ नहीं करना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस काफ़ी फ्लैट हैं। हमारे साथ अब सेंको गोल्ड के MD एंड CEO सुवांकर सेन। सुवांकर नमस्कार, फर्स्ट ऑफ ऑल बाजार में इंडस्ट्री में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम 9% का ड्यूटी कट यहाँ पर आता हुआ देखेंगे ऑल एक्यूमुलेटिव, आप इसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं टू बिगिन विथ? देखिए मैं तो बोलूंगा कि ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ हुआ है जो भी हुआ है, बिकॉज लास्ट 3 महीने में कंज्यूमर डिमांड
बहुत ही स्लो हो गया था, जिस हिसाब से गोल्ड का प्राइस इतना शॉर्ट टाइम पे 10 से 15% जंप ले लिया था, तो ये जो भी कंज्यूमर्स है मिडिल अपर मिडिल क्लास या जिन लोगों का सामने में शादी का सीजन में खरीदने वाले थे, तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका मिल गया ज्वेलरी और परचेज करने के लिए। तो आई थिंक यस, हम लोग का एक एक्सपेक्टेशन था जो कम हो सकता है और रिक्वेस्ट था सरकार को, बट आई थिंक सरकार कंज्यूमर्स के बारे में सोचे, और जरूरत यही है कि इंटरनेशनली गोल्ड का प्राइस बढ़ते जाए तो हम लोग का देश के जो आबादी है, जो इनका कल्चर के साथ इतना गोल्ड के साथ इतना जुड़ा हुआ है, तो उन लोगों को खरीदने में एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि अभी खरीद सकते हैं। लेकिन शुभांकर, जिस तरह से सरकार का एक पैटर्न रहा है, स्ट्रक्चर रहा है, उन्होंने गोल्ड इंपोर्ट को कभी भी यहाँ पर इतने सालों में सपोर्ट नहीं किया है, इसीलिए हमने देश में इतने सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी आते हुए देखे, फिर चाहे वो सोवरन गोल्ड बॉन्ड है या ETFs हैं, फंड्स हैं, वो इसीलिए लॉन्च किए गए थे कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट यहाँ पर कंट्री में ना हो। बाजार का भी ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं ये 9% ड्यूटी कट रेजोनेट करेगा कि हम GST बढ़ता हुआ देखेंगे। 18 अगस्त को यहाँ पर GST काउंसिल की मीटिंग है, तो अब उसके लिए क्या एक्सपेक्टेशन है कि कितना GST यहां बढ़ सकता है, क्योंकि 3% वॉज अ स्पेशल केस जो यहां पर डाला गया था ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिहाज से, तो अब क्या इंडस्ट्री तैयार है GST हाइक के लिए? देखिए, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो ये ड्यूटी बढ़ाने में जो सरकार लास्ट 10 साल 12 साल में जो भी हुआ था, उसका कारण था करंट अकाउंट डेफिसिट। जो डॉलर इनफ्लो इंडिया में उतना नहीं आ रहा था, और आउटफ्लो में कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि ऑयल प्राइसेस और सारे चीज़ों को देश के लिए अच्छा हो। बट आज के दिन अगर देखा जाए तो इंडिया इज़ अ वन ऑफ द टॉप इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, और सारा वर्ल्ड वाइड हम लोग देख रहे हैं कि देश सॉवरेन बॉन्ड्स बोलिए या कंट्री रिजर्व बैंक्स बोलिए, सब गोल्ड खरीद रहे हैं। तो गोल्ड 10 12 साल पहले जो इम्पोर्टेंट नहीं था, आज के दिन वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ऑफिशियल लेवल से गोल्ड को आना चाहिए। अगर गलत तरीके से गोल्ड आए तो वो तो रिस्क आ जाता है सभी लोगों के लिए। तो ऑफिशियली गोल्ड आए, गोल्ड ट्रैकेबल हो जाए, कंज्यूमर्स के पास गोल्ड जो रहे वो भी प्रॉपर तरीके से रहे, क्योंकि इनडायरेक्टली वो नेशन का वेल्थ ही है, नेशन का एसेट ही है, तो उस हिसाब से इसको देखना चाहिए। और अभी ब्रिक्स नेशन दे आर ऑल ट्राइंग टू मेक रूपी गोल्ड बैक, या जो भी उनका करेंसी गोल्ड बैक्ड है। तो ये आई थिंक दैट ये सरकार का एक सिग्नल है कि गोल्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट, जी, और बी इट सिटीजन बी इट गवर्नमेंट सब। लेकिन लेकिन आपको लगता है GST बढ़ेगा? देखिए, GST बढ़ेगा कि नहीं ये तो सरकार का डिसीशन है। मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि GST अगर बढ़ जाए तो फिर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर और सबके मन में आ जाएगा, वो इतना फिर देना पड़ रहा है GST, तो मेरे को ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उनके लिए थोड़ा फिर चैलेंज आ सकता है। सो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि एक अच्छा स्टेप सरकार ने लिया है टू मेक द सेक्टर मोर ऑर्गेनाइज, सो अभी और कुछ GST बढ़ाने का सोच ना लिया जाए। शुभांकर, साथ ही अगर ज्वेलरी एज अ सेक्टर की बात करें, और आपने पहले भी कहा है कि ज़्यादातर जो गोल्ड आप लेते हैं वो हेज्ड रहता है, पर उसकी भी कितनी क्वांटिटी है? ज़्यादातर बहुत सारे ज्वेलर्स ने ये भी हमसे कहा कि नहीं, वो पूरा हेज यहाँ पर नहीं करते हैं, काफ़ी ओपन एंडेड बाइंग भी यहाँ पर बैंक्स के साथ है। अभी जल्दी ही IGS उन्हें आने वाला है, तो काफ़ी ज्वेलर्स ने सोना इसलिए भी उठाया है, और वो सभी कुछ यहाँ पर हायर ड्यूटी पे है। तो क्या कोई नेगोसिएशंस हैं, रीनेगोसिएशंस हैं, एक वन टाइम हिट जिस तरह की इन्वेंट्री होल्डिंग्स हैं ज़्यादातर ज्वेलरी सेक्टर की, वो भी शायद हम यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे? हाँ, देखिए, इसमें दो तरीके से हेजिंग जी में, जो MCX में हेज किया हुआ जाता है, तो उसमें तो डायरेक्टली बेनिफिट मिल गया जब इंडियन रुपीस में गोल्ड का प्राइस डाउन हो गया ड्यूटी के साथ भी। पर जो अगर गोल्ड लोन में जो ज्वेलर्स लेते हैं, तो वो गोल्ड लोन में मे बी रेट का प्राइस फिक्स नहीं रहता है, मगर ड्यूटी पेड हुआ जाता है। तो कोई ज्वेलरी कंपनी का मे बी 30% हेज्ड है, कोई ज्वेलरी कंपनी का 70% हेज्ड है, और 70-80% हेज में भी मैं MCX में कितना हेज है और गोल्ड लोन में कितना हेज है, ये बहुत सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। सो यस, ये वन टाइम के लिए थोड़ा सबको हिट होगा, बट ये भी आपको देखना चाहिए कि जिस हिसाब से ये इंडस्ट्री में एक प्राइस वॉर चल रहा था, जिस हिसाब से डिस्काउंटिंग और ये सारा चीज चल रहा था, तो अभी लोगों को थोड़ा समझ आएगा कि ये जो वॉलेटिलिटी ऑफ प्राइस है, इसमें हम लोग को और फोकस करना है डिजाइन पे, और फोकस करना है कस्टमर सर्विस पे रादर देन जस्ट प्राइस पे, क्योंकि प्राइस कभी भी अप डाउन हो सकता है। और अभी IGS आने वाले हैं, लोगों को तो मतलब सब लोग प्लान करके चल रहे हैं, बट पॉजिटिवली ये देखना चाहिए। एज अ रिटेलर मैं तो फील कर रहा हूँ कल से और आज भी कंज्यूमर्स के अंदर में बहुत अच्छा जोश आ गया है।
एंड हम लोग का बिजनेस ग्रोथ होने का बहुत बड़ा चांस है, सामने सीजन आ रहा है। तो ये जो स्लो डाउन था, जो लग रहा था बिजनेस नहीं हो रहा है, ये प्राइस के चलते हुए फिर से बिजनेस पूरा अच्छे तरीके से होगा। और यू नो प्राइस तो इंटरनेशनली बढ़ ही सकते हैं, क्योंकि आपका यूएस का इलेक्शन अभी भी बाकी है, वॉर अभी भी चालू है। तो इसके लिए इंटरनेशनली अगर गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता रहा तो फिर से आपका देखेंगे 4-5% प्राइस बढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही साथ सुवंकर, अगर हम पिछले साल की बात करें तो, और ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डेटा है जहां पे उन्होंने कहा है कि पिछले साल इंडियंस ने 576 टन्स सोना ज्वेलरी के तौर पर खरीदा, इस साल के लिए आपको लगता है वो नंबर बढ़ता हुआ नजर आएगा, स्पेशली अगले आने वाले 15-20 दिन, एक महीने में, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस कमजोर हैं, भारतीय बाजारों में अच्छा खासा स्लैश डाउन हुआ है? देखिए, आप अगर एक महीने पहले मेरे को पूछते तो मैं बोलता कि 10-12% डाउन हो सकता है, मगर अभी सरकार का जो ये अच्छा स्टेप ले लिया तो मेरे हिसाब से अभी ये जो 9% का प्राइस में हम लोग करेक्शन देखे तो इसमें मे बी लास्ट ईयर जैसा ही हम लोग का इस बार भी ज्वेलरी कंजम्पशन हो सकता है, कोई डी ग्रोथ का चांस नहीं है, रादर 2-5% ग्रोथ ही होगा। ऑल राइट, तो 2-5% तेजी की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस में हमने यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में गिरावट आते हुए देखी है, दैट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ड्यूटी स्ट्रक्चर। राजीव, आपको भी चर्चा में शामिल करना चाहेंगे, और आप तो प्लैटिनम भी देखते हैं, डायमंड भी देखते हैं, एंड ऑफकोर्स गोल्ड ज्वेलरी तो यहाँ पर है ही, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इसको? बिकॉज अब स्ट्रीट को इस चीज़ का इंतजार है या फिर थोड़ी सी चिंता भी है कि हम शायद GST बढ़ता हुआ देखेंगे, तो अगले 15-20 दिन की एक विंडो तो है ही लोगों के पास, इनकेस अगर GST बढ़ जाता है तो वील बी बैक टू स्क्वायर वन, लेकिन बिकॉज जिस तरह का डिक्लाइन हमने यहाँ पर प्लैटिनम में आता हुआ देखा, सोने में आता हुआ देखा, आपकी क्या सेंस है? यस मनीषा, ऑफ कोर्स मोरल काफी हाई है कंज्यूमर्स ने, इनफैक्ट कल से मुझे काफी मैसेजेस भी आए कंज्यूमर्स के एंड ट्रेड के टू अंडरस्टैंड द एंटायर मैथ एंड सी हाउ द करेक्शन विल हैपन, और इससे चलते ही हमने इमीडिएटली फ्लोर पे भी हमारे प्राइसेस मार्क डाउन कर दिए थे कीपिंग विद द इंटरनेशनल प्राइसेस, सो कंज्यूमर्स गॉट द एग्जैक्ट टेस्ट ऑफ व्हाट द प्राइस बेनिफिट इज देयर इमीडिएटली। And that was quite surprising कि इतनी benefit हमें मिली है from the budget which is not anticipated, तो एक बहुत moral high situation हो गई है। Of course हम optimistic ही रहेंगे with all good aspects which the government will be bringing down to the benefit of the consumers, और जैसे हम देख रहे हैं ये wedding season है peak, we did not get the full benefit of that in this point of time, but with this price markdown consumers will come out to buy more gold. The whole idea of getting a leverage price is very important and good. और हम देख रहे हैं अगले महीने से रक्षाबंधन एंड अदर फेस्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है हमारे हिंदू कैलेंडर में, सो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होती है हमारे स्पेकुलेशन के लिए भी फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कि आगे चल के ये कैसे अप्रिशिएट होगी डिमांड एंड हाउ द कंज्यूमर्स विल पिक अप दिस न्यू गोल्ड प्राइस। वॉट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि जो ओवरसीज शॉपिंग होती थी गोल्ड की, ये एक मेजर एरिया है जो एज अर्बन सिटीजन्स वी फील दैट देयर इज अ लॉट ऑफ शॉपिंग व्हिच हैपेंस व्हेन द पीपल आर ट्रैवलिंग स्पेशली टू नेबरिंग कंट्रीज लाइक दुबई एंड लाइक वाइज, ये अब इंसेंटिवाइज नहीं होती है। इंडियन प्राइजेस विल बी एट पार इनफैक्ट विद द इंटरनेशनल प्राइजेस फॉर आवर इंडियन कंज्यूमर शॉपिंग, सो उनको ये बेनिफिट नहीं दिखाई देगी कि वो बाहर जाके शॉप करें ज्वेलरी के लिए, so they will be encouraged to buy home, and what's also important is the NRIs will be happy to remit funds to India and encourage the Indian family to buy it here itself instead of getting the jewelry from overseas. जी हाँ, absolutely राजीव, वो एक बहुत बड़ा positive है। हम लोग कल भी बात कर रहे थे कुछ jewelers के साथ कि हाँ, आप जो लोग travel करते थे दुबई से सोना लेके आने के लिए, वो शायद अब एक level playing field है यहाँ पर, और जैसे सुवांकर भी कह रहे थे कि बहुत सारा duty structure था यहाँ पे FTAs के तहत, SIPA के तहत और least developed countries के तहत, वो शायद एक अब चीज़ totally out of the window चली गई है। लेकिन राजीव, जैसे आपने कहा कि आपने prices यहाँ पर slash down करे हैं, I'm assuming 9% की duty cut है, तो exactly 9% से तो नहीं किए होंगे, लेकिन अब आप consumers को क्या कह रहे हैं? The market price is indicated at 68,800 for 24 carat. Our 22 carat gold rate will be at par with the same thing. It is nothing different. We are happy to pass it on, and we've been always doing it the same way. There is no premium on gold which is added. So, consumer को वही price markdown में आएगी जैसे duty composition के हिसाब से gold cost आती है इंडिया में. So, it's nothing different for us as a subject today. राजीव, क्योंकि आप प्लैटिनम में इतना काम करते हैं, क्या प्लैटिनम में भी उसी तरह की मार्केट आप बनते हुए देखते हैं? बिकॉज़ प्लैटिनम बहुत नीश और अभी भी छोटी मार्केट है, क्या इससे सपोर्ट आएगा?
Fortunately, platinum has never been a price-sensitive product. Nevertheless, the incentive in price is always welcome. As an Indian consumer, we are always price-conscious, and the whole idea ki consumers ki walk-in jo badhegi store mein, iski overflow platinum, diamonds, and overall industry pe badhti hai. Basically, that's how it happens. Gold is the walk-in initiative which creates the extra walk-in, and any price sensitivity in gold directly impacts the floor. So ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो हम देख रहे हैं एंड वी विल सी दिस अक्रॉस द एंटायर इंडस्ट्री ऑन द होल. एब्सोल्युटली, तो क्लियरली एक अच्छा टाइम है, कंज्यूमर्स को खरीदारी के मौके भी हैं और जैसे हमें सुवांकर और राजीव दोनों ही बता रहे हैं कि फुटफॉल्स बेहतर हो रहे हैं और हम आपको याद दिला दें कि जीएसटी मीटिंग है उसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखें जो 18 अगस्त को है. शायद कुछ निकल के आए नहीं आए, लेकिन एक स्ट्रीट कॉन्वर्सेशन ज़रूर है कि इतनी स्ट्रांग जो ड्यूटी कट हुई है तो शायद यहाँ पर हम कुछ जीएसटी में इंक्रीज़ आता हुआ देखें. लेकिन क्योंकि 18 अगस्त को ये मीटिंग है तो अभी भी काफ़ी समय है, तो क्लियरली वो फुटफॉल्स शायद अगले 15-20 दिनों में बढ़ते हुए नजर आएंगे. लेकिन इसी के साथ बहुत शुक्रिया सुवांकर एंड राजीव आपका जुड़ने के लिए. एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे ऑफ कोर्स यहां पर चांदी की और एग्री में क्या कुछ बजट से निकल कर आया है वो भी बताएंगे आपको. और स्लैश जो ड्यूटी हुई है वो हमने सिर्फ सोने और प्लैटिनम में नहीं लेकिन चांदी में भी आते हुए देखी है. हमारे साथ किशोर रुनवाल अब मौजूद हैं. किशोर जी नमस्कार. और ऑफ कोर्स एक बिग बोनांजा यहां पर फेस्टिवल और वेडिंग सीजन से पहले. आप कैसे देखते हैं ड्यूटी कट और आपको भी लगता है कि कंज्यूमर्स के फुटफॉल्स अब यहां पर बढ़ते हुए दिखेंगे? थैंक यू मनीषा जी. जो ये एडमायरेबल अडोरेबल मूव था सीताराम जी का, मिसेस सीताराम जी का, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल मूव टू द इंडस्ट्री. चांदी और सोने में जो कट हुई है कमोडिटी का, ये जो कस्टम ड्यूटी का, तो वी सी दैट देर विल बी अ वेरी हाई डिमांड इन कमिंग डेज. और अपना जो इंडस्ट्री है चांदी का इंडस्ट्री में, तो सिल्वर इंडस्ट्री में तो ये एक सोने पे सुहागा जैसा हो गया है, क्योंकि 6% कटौती मतलब कम से कम 6,000 रुपए के आसपास चांदी लोकल मार्केट्स में कम हो चुकी है. तो ये राइट मूव है और आगे फेस्टिवल सीजन होने के कारण मैरिज और फेस्टिवल दोनों साथ में होने के लिए इंडियन मार्केट्स में ये चांदी के लिए एक बहुत अच्छा बूम टाइम है एंड पीपल शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस मूव. किशोर जी एब्सोल्युटली, कंज्यूमर्स को तो इसकी एडवांटेज लेनी ही चाहिए, लेकिन 6,000 रुपए जब चांदी गिरती है तो इंडस्ट्री उसे कैसे देखती है? आप कैसे डील कर रहे हैं? आपके पास अच्छी खासी इन्वेंट्री है. सर, हम लोगों के लिए तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि जितना बेचते हैं उतना हम खरीद लेते हैं, तो वो फॉर्मूला हम फॉलो करते हैं. लेकिन ये कंज्यूमर के लिए पॉइंट प्रैक्टिकल, इंडस्ट्री के लिए दोनों बैक टू बैक एक प्रॉफिटेबल मूव है, क्योंकि कंज्यूमर के लिए चांदी सस्ती होने के लिए, फेस्टिवल्स आने के लिए, मैरिजेस आने के लिए, ये आगे जो सीजन है उसके लिए, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा अवसर है और हमारे लिए सेल्स ग्रो होने का अवसर है. तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिखता हूँ इस मूव के लिए. किशोर जी, जितनी चांदी पिछले साल बिकी थी, आपको लगता है अब इस मूव के बाद, क्योंकि सोने वाले तो बहुत बुलिश हैं कि पिछले साल से थोड़ा सा बेटर ही करते हुए नजर आएंगे, जैसे सुवांकर जी कह रहे थे कि 2-5% का इजाफा सेकेंड हाफ दिस ईयर में सोने की बिकवाली में देखने को मिलेगा, क्या चांदी में उन नंबर्स के साथ काम किया है आपने? चांदी में अगर देखेगा जाए तो लास्ट ईयर 7,000 टन का जो इम्पोर्ट हुआ था इंडस्ट्री में, तो इस साल ऑलरेडी हम लोग वी आर गोइंग वेरी फास्ट. और इस लास्ट अगर फाइनेंशियल ईयर से अगर हम इम्पोर्ट्स देखें तो वी आर ग्रोइंग मोर 30% ग्रोथ हुआ है. और इसके हिसाब से चांदी का मार्केट तो बूम होने वाला है और आते कुछ महीनों में चांदी का सेल्स 100% वी आर सीइंग एट अ वेरी हाई रिकॉर्ड. तो पिछले साल के मुकाबले में 5-10% का इजाफा देखने को मिलेगा बिकवाली के लिहाज से? 100%, 7-10% का इजाफा मैं देख रहा हूँ ऑलरेडी इंडस्ट्री में. जो चर्चा हो रही है और जो बातें हो रही है और जो डेटा मिल रहा है, हमको ये पता चल रहा है कि ऑलरेडी 7-10% का ग्रोथ वी आर श्योरली टू सी दिस ईयर. ऑलराइट, तो सेल्स में 7-10% का इजाफा देखने को मिल सकता है. 6,000 रुपए चांदी सस्ती हो गई है पिछले एक दिन में और कंज्यूमर्स की तरफ से खरीदारी यहां पर काफी स्ट्रांग देखने को मिल सकती है. किशोर रुनवाल जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो सेंस भी देने के लिए. अनुज, अब एक नारा लग रहा था 1 लाख के पार और 1.25 लाख के पार, मुझे लगता है कि वो तो वित्त मंत्री ने एज ऑफ नाउ थोड़ा सा विफल कर दिया.
देखिए जिस तरीके से अभी हमने कन्वर्जन सुना है और सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो डिमांड है वो 8 से 9% बढ़ सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो नारा अभी विफल है। हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, बट ये नहीं, हो सकता है कि हम इसको आगे 6 महीने और एक्सटेंड कर सकते हैं। मगर हाँ, डेफिनेटली मुझे लगता है कि जिस तरीके का फंडामेंटल फैक्टर्स है और जिस तरीके का मार्केट ट्रेंड चल रहा है, हो सकता है कि अभी थोड़ा ब्रेक लगाए, जो कि एक खरीदारी का मौका है। बट हाँ, मुझे लगता है कि आगे चलकर आपको गोल्ड सिल्वर में एक जो ट्रेंड हम देख रहे हैं 2024 में स्टार्टिंग से ही, वही आगे फॉलो होता हुआ दिखाई देगा। वो आपके सामने चार्ट्स हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि कल किस तरह की एक तरफा ऐसे गिरावट देखने को मिली है एक ही दिन में, जो एक स्टेडी मूव यहां पर चलता हुआ नजर आया था, तो काफी स्ट्रांग। और ये चार्ट बाय द वे इंटरनेशनल मार्केट्स का नहीं है, क्योंकि सोना वहां पर अभी भी 2427 छूने के बाद 2420 से आके आसपास चल रहा है, लेकिन भारतीय बाजारों में एक बहुत शार्प गिरावट हमने आते हुए देखी है। ऑलमोस्ट 94,000 छूने के बाद 85,000 के आसपास सोना चांदी रादर, और सोने में यहां पर 74,000 का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद 68,000 के आसपास के कारोबार। ऑफकोर्स जिस तरह की गिरावट सोने और चांदी में है अनुज, मेटल्स में भी भारी गिरावट है। अगर पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो 6.5% की गिरावट कॉपर में, 4 से 5% की गिरावट हमने एल्यूमिनियम, जिंक, निकल में भी आते हुए देखी है। टिन में करीबन 10% की गिरावट एक हफ्ते में बरकरार हुई है। कैसे देखते हैं आप मेटल्स को आगे जाते हुए? देखिए, कल मेटल्स में भी कुछ इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस किया गया है, कॉपर ऑक्सीजन फ्री कॉपर के अंदर, स्टील के अंदर, तो कहीं ना कहीं वहां भी इंपैक्ट देखने को मिला। हालांकि बेस मेटल में हम गिरावट पिछले एक महीने से ही देख रहे थे, प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही थी, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कारणों की वजह से, चाइना की डिमांड लोअर होने की वजह से हमने एक गिरावट आती हुई देखी। बट हाँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी अब मार्केट एक बॉटम आउट होता हुआ दिखाई देगा, बट ये थोड़ा टाइम लेगा। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और टाइम यहाँ पे सस्टेन होता हुआ दिखाई दे। फिलहाल हमें लगता है कि जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमें लगता है कि फिलहाल अभी बिकवाली का ट्रेड ही आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम देखें तो कॉपर मुझे लगता है कि बिकवाली के साथ ट्रेड ले सकते हैं। नीचे हमें लगता है कि 801 तक के लेवल देखे जा सकते हैं, 810 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इवन जिंक के अंदर भी हमें लगता है कि गिरावट के साथ ट्रेड हो सकता है, तो यहाँ भी बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 263 पे लगाएं, टारगेट 255 तक आ सकता है। तो फिलहाल अभी बेस मेटल, क्योंकि चांदी भी आप देखेंगे बेस मेटल का पार्ट है, तो अक्रॉस द बेस मेटल जितने भी हैं सभी में हम एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल मार्केट थोड़ा सस्टेन रहेगा, थोड़ा सा अभी एक गिरावट के साथ ट्रेड हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस को देखा जाए, यहाँ पर भी गिरावट है। आज ऑफ कोर्स हल्की सी बढ़त है, वो इसलिए क्योंकि यूएस इन्वेंट्रीज शायद गिरते हुए नजर आएंगी, लेकिन ओवर द वीक यहाँ पर एक मुनाफा वसूली है और $80 के नीचे WTI अब होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पर क्या सेंस है, क्या कुछ और गिरावट देख सकते हैं? देखिए, बिल्कुल यूएस में इलेक्शंस है, उनका टारगेट है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, तो क्रूड सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे इन्वेंट्रीज बढ़ी हैं, प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो क्रूड मुझे लगता है कि यहाँ भी ट्रेंड डाउन हो सकता है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 6519 पे लगाए, टारगेट नीचे 6380 तक आ सकता है। तो क्रूड के अंदर भी हमें लगता है कि बिकवाली के साथ ट्रेड देखने को मिल सकता है। अनुज, एक फाइनल क्विक क्वेश्चन एग्री पर, अगर कोई टॉप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वहां से निकल के आई है? देखिए, एग्री में आप देखेंगे तो कल बजट में हमने काफी बड़ा एलोकेशन देखा है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके का टारगेट लग रहा है कि जो स्विंग एक्टिविटी है बढ़ सकती है, तो मुझे लगता है कि एग्री में आपको मसालों में आगे भी अभी और कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो मसालों पर नजर रहनी चाहिए, वहां पर गिरावट देखने को मिली है, कुछ और मुनाफा वसूली के साथ वहां पर कारोबार रह सकता है। कच्चे तेल में कुछ प्रेशर है यहां पर, और कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज आप यहां पर शायद सोने चांदी में बनता हुआ देखेंगे, लेकिन मेटल्स में एज ऑफ नाउ प्रेशर के साथ कारोबार। अनुज, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। और इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, हम जब लौटेंगे तो फोकस यहां पर करेंगे इक्विटी बाजार पर।